आत्म साक्षात्कार और विश्व प्रेम की भावना से जुड़े इस महत्वपूर्ण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, योगदा सत्संग सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी सिदानंद जी, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य अतिथियों, इस सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, अभी जब मैं आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था, यहाँ का वातावरण और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य दोनों ही चीजों का मैंने एक अनूठा मेल देखा। पहले मैं सबसे पहली बार इस आश्रम में भी आना हुआ है, मैं सोच रहा था कि आश्रम होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मेडिटेशन सेंटर होगा, एक छोटा सा कंपाउंड होगा, लेकिन जब मुझे स्वामी स्वरानंद जी ने बताया कि ये कंपाउंड लगभग 18 से 20 एकड़ का है और जिस वृक्ष के नीचे स्वामी जी का एक चित्र रखा हुआ है, वो विभूषित पेड़ भी, वो वृक्ष भी एक अपनी अलौकिकता को लेकर के खड़ा हुआ है और मुझे बताया गया कि इस वृक्ष को भी लगभग 100 साल पूरे हुए हैं। यहाँ पर भारत के सभी प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर, मेडिटेशन के रास्ते पर, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेनी ऑफ द डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स ऑफ दिस आश्रम, दे हैव आल्सो come to participate in this function from abroad and back to from many countries. I extend my greetings and well wishes to all of them. Yoga Satsang Society of India के द्वारा पूरे विश्व में निरंतर योगदान के 100 वर्ष पूरे होने पर मैं इस सोसाइटी और परमहंस योगानंद जी के विचारों से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूँ। इन 100 वर्षों में योगदा सत्संग सोसाइटी ने पूरे विश्व में भारत के योग विज्ञान को प्रसारित करने में अपना सराहनीय योगदान दिया है। इस शताब्दी वर्ष में गीता पर परमहंस जी की टीका के हिंदी अनुवाद का प्रकाशन समयानुकूल है और उपयोगी है। जब गीता की बात हो रही है तो मुझे लगा कि एक महीने में मंत्र और भी स्वीकार किया था, कुरुक्षेत्र जिसको कुछ लोग महाभारत के युद्ध का स्थान कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको गीता ज्ञान का केंद्र भी कहते हैं। उस कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच एक सप्ताह का कार्यक्रम होने वाला है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता ज्ञान महोत्सव पर मुझे भाग लेने का सौभाग्य 25 तारीख को मिलेगा। आज जिस गीता के हिंदी अनुवाद का हम सब लोगों के सामने आया है, सन 1995 में मूल अंग्रेजी गीता का प्रकाशन हुआ था। अब तक स्पेनिश, जर्मन, इटालियन और पुर्तगाली भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध थे। आज इस हिंदी अनुवाद के प्रकाशन द्वारा एक बहुत बड़े पाठक वर्ग के लिए इस पुस्तक में नहीं जीवनोपयोगी ज्ञान सुलभ हो गया है। इस अनुवाद के लिए स्वामी
नित्यानंद जी प्रशंसा के भूल भूल पा। मैं मानता हूं कि अध्यात्म भारत की आत्मा है जो पूरे विश्व के लिए भारत की महत्वपूर्ण देन है। विश्व स्तर पर भारत के अध्यात्म को सम्मानित और लोकप्रिय बनाने का मार्ग स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद ने प्रशस्त किया। एक रोचक संयोग से वर्ष 1893 में, दैट इज 1893 में, स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन ने भारतीय अध्यात्म के बारे में पश्चिम में जागृति की एक नई लहर पैदा की थी। और इसी वर्ष गोरखपुर में परमहंस योगानंद का मुकुंदलाल घोष के नाम से अवतरण हुआ। मैं अपने को और भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो प्रदेश उत्तर प्रदेश मेरी मातृभूमि है, उसी के एक प्रमुख जिले गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ। यह जानकारी मुझे और भी अनुभूत करती है कि 1918 से 1920 तक रांची के इसी आश्रम को परमहंस योगानंद ने अपनी कर्मस्थली बनाया था। उसके बाद अगले 32 वर्षों का वे सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से अमेरिका में लाखों लोगों को क्रिया योग की शिक्षा से लाभान्वित करते रहे। इस दौरान सन 1935 में जब वो भारत आए, तब भी उन्होंने इस आश्रम को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया था। महात्मा गांधी भी सन 1925 में इस आश्रम में आए थे। यहाँ आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। परमहंस योगानंद का संदेश अध्यात्म का संदेश है। वह धर्म से परे सभी धर्मों का सम्मान करने का विश्व बंधुत्व का नजरिया है। और जो लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, दे वेरी वेल नो व्हेदर रिलीजन मींस स्पिरिचुअलिज्म बिगिंस। इसको मैं कभी कभी एक आम भाषा में कहता हूँ कि जो विद्यार्थी नर्सरी, प्राइमरी, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक जाता है, वो रिलीजन के ही दायरे में रहता है। When the such graduates, they go for PhD and go for innovative ideas and research work, only then they can achieve the sense of spiritualism. परमहंस योगानंद जी मानते थे कि जिस तरह से रोशनी, हवा और पानी सबके लिए है, उसी तरह ऋषि मुनियों द्वारा विकसित किया गया भारत का योग विज्ञान भी पूरी मानवता के लिए है। गीता में भारत का यही योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में समझाया गया है। अपनी गीता में परमहंस योगानंद ने गीता के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। हर मनुष्य के अंदर चलने वाले युद्ध को उन्होंने गीता का विषय बनाया। परमहंस योगानंद के अनुसार गीता दैनिक जीवन के लिए एक पाठ पुस्तक थी। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र की अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है और इसे जीतना भी। सही क्या है और गलत क्या है, क्या करें और क्या ना करें, यह अंतर्द्वंद सबको परेशान करता है। ऐसे अंतर्द्वंद पर निर्णय लेने में विद्वता की नहीं बल्कि विवेक की आवश्यकता है। और विवेक केवल और केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। सही और गलत के बीच चुनाव करने का यही विवेक गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। गीता पर भी गीता को परमहंस योगानंद
आत्म साक्षात्कार का राजयोग विज्ञान कहते हैं। वे आत्म साक्षात्कार को गीता का उद्देश्य मानते हैं तथा राजयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने की पद्धति। यहाँ बैठे अधिकांश लोग योग की विभिन्न पद्धतियों से परिचित। स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद ने राजयोग पर विशेष जोर दिया। राजयोग की वैज्ञानिकता के कारण पश्चिम के लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी राजयोग अधिक उपयुक्त लगता है। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति गीता को अपने आश्रम में ढालेगा तो झंझावात में अंतर्द्वंद में स्थिर रहेगा, शांत रहेगा और सक्रिय रहेगा। प्रायः लोग सफलता असफलता तथा जय पराजय के चश्मे से सब कुछ देखते हैं। इस संदर्भ में गीता का पारजयी संदेश उसके अंतिम श्लोक में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है, यत्र योगेश्वरो योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति। इससे इस श्लोक का भाव है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है वहीं विजय भी सुनिश्चित है। इसका अर्थ ये है कि योग और दक्षता का समन्वय तथा अध्यात्म तथा कौशल का समन्वय विजय को सुनिश्चित करता है। गीता का अमर और जीवन संदेश परमहंस योगानंद की टीका के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँचता है। मैटेरियलिज्म और कंपटीशन से भी आज की युवा पीढ़ी पर भी परमहंस योगानंद का गहरा प्रभाव। कड़े संघर्ष के बीच विश्व स्तरीय सफलता और समृद्धि हासिल करने वाले नौयुवक उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत फेमस बुक है। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग होंगे अधिकांश लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा। मुझे भी मौका मिला ये पुस्तक हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। 70 साल पहले प्रकाशित और लगभग 45 भाषाओं में अनुवादित ये पुस्तक, जिसे दुनिया के लगभग 90% लोग अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। मैं योगदा सत्संग के आसनों और ध्यान केंद्रों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं से आहत लोगों की सहायता, अनाथ बच्चों के लालन पालन और कुछ रोगियों की सेवा आदि क्षेत्रों में योगदान की सराहना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हिंदी में उपलब्ध परमहंस योगानंद की गीता की टीका से लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि योगदा सत्संग सोसाइटी अध्यात्म का प्रसार और मानवता की सेवा करते हुए परमहंस योगानंद के विश्व कल्याण के अभियान को इसी प्रकार आगे बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।